दोस्तों रन फॉर टेक पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ग्रेटर नोएडा में हूं और ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में हूं। यहां पर एक्सपो लगा हुआ है और सोचा कि क्यों ना आपको एक बेहतरीन जानकारी मैं दे दूं। बहुत सारे लोग हैं जो सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि सोलर सिस्टम लगेगा कैसे, किस कंपनी से हमें संपर्क करना चाहिए, कौन सी कंपनी आसानी से और अच्छे दाम में आपके घर पर सोलर सिस्टम लगा देगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें 2 किलोवाट का लगवाना है, 5 किलोवाट का लगवाना है लेकिन उन्हें ये तो पता है कि कौन सी कंपनी सोलर पैनल बना रही है, उन्हें ये पता नहीं होता कि कौन सी कंपनी सोलर सिस्टम लगा रही है। तो आज मैं लिवगार्ड कंपनी के स्टॉल पर हूँ और मेरे पास सर हैं, इसी कंपनी के प्रतिनिधि हैं, इनसे बात करना चाहूँगा और आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको सोलर सिस्टम कहीं भी ऑल इंडिया में लगवाना है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, मैंने भी इनसे बात की थी तो ये जानकारी मिली है इनसे कि बहुत ही कम रेट में, बहुत ही कम कीमत में अच्छे सोलर पैनल्स, अच्छा इन्वर्टर और अच्छी बैटरी आपके घर पर लग सकती है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी सर। तो सर लिवगार्ड से ही हैं आप? मैं लिवगार्ड से हूँ, एरिया सेल्स मैनेजर। अच्छा, सेल्स मैनेजर सर आप जी। अच्छा सर, ये बताएं कि जो सोलर पैनल इस समय मैं देख रहा हूँ, इसकी तो हम बात करेंगे लेकिन ग्राहकों की एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि उन्हें ये पता नहीं होता कि हमें सोलर सिस्टम कहाँ से बेहतरीन लगवाना है, किससे लगवाना है। सर पहले मतलब क्या है, सबसे पहले हमें कस्टमर से लोड जानना होगा। कस्टमर को ये नहीं पता होता है, कस्टमर सोचता है कि मेरे को पूरा घर का लोड चल जाए, और ये नहीं होता कि हाँ लोड तो चल जाए, पैसे का भी देखना होता है। तो उससे पहले हमें लोड डिसाइड करना होगा कि आपको क्या लोड चलाना है। अच्छा, पहले उनके घर पे देखना होगा कि समर है, कूलर है, पंखे, एसी है, मतलब घर पे अप्लायंसेस क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम डिसाइड करेंगे, डिसाइड करेंगे कि कितने किलोवाट का प्लांट लगना है। सपोज करो उसके घर पे अप्लायंसेस है विदाउट एसी, तो हमें 2 किलोवाट का सिस्टम लगा सकते हैं जिसमें अपना 1 HP का समर सेल भी चल जाएगा। घर पे अपना कूलर पंखे ये रन हो जाते हैं, जो नॉर्मल घर में लोड होता है वो सारा रन हो जाता है। और हम अगर कॉस्ट की बात करें तो मतलब नॉर्मली कॉस्ट होती है 1,10,000 से, मतलब अप्रोक्स 1,10,000, और अपना 2 बैटरी के साथ घर पे लोड चल जाता है। अच्छा सर, ये बताएं कि जिस पैनल के मैं पास इस समय खड़ा हूँ, ये DCR है, नॉन DCR? ये नॉन DCR है, 400 वाट का मोनोपार्क पैनल है। 400 वाट का सर? 400 वाट मोनोपार्क की, 2 होते हैं मोनोपार्क, 1 पॉलीक्रिस्टल, एक मोनोपार्क है, पॉलीक्रिस्टल भी है, फिर हाफ कट वाले हाफ कट भी है। मतलब स्टार्टिंग पॉलीक्रिस्टल होता है, फिर मोनोपार्क होता है, मोनो हाफ कट होता है, बाईफेशियल होता है। अगर हम नॉर्मल बात करें तो 2250 पे अगर सिस्टम पे देखेंगे तो लोग LKV के सिस्टम है उन पे अपना 400 वाट का या 335 का ही लगाते हैं कि एफिशिएंसी उसकी ज़्यादा हो जाती है, जो अपने 545 पे या बाईफेशियल में जाएं तो LKV पे अपना 400 वाट नॉर्मल है जो चल जाता है। तो वारंटी कितने साल की होती है सर? पैनल की 25 साल की होती है, एफिशिएंसी डेप्रिसिएशन आता है हर, मतलब अगर हम जाए तो मतलब 10 ईयर बाद 0.5% का एफिशिएंसी आएगी, डेप्रिसिएशन आएगा हर साल, वो कम हर 5 साल में डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अगर हम 25% उसमें जाएं ईयर में तो 85% आपका पैनल वर्क करेगा। अच्छा, जब आप लगाएंगे सर किसी घर पर सिस्टम तो ये पैनल भी लिवगार्ड का होगा, बैटरी भी लिवगार्ड की होगी, कंप्लीट सॉल्यूशन ही लिवगार्ड का होगा, सिंगल विंडो सर्विस होगी। सबसे मेन क्या होता है, अगर कस्टमर कॉस्ट के कटिंग में के लिए पैनल किसी का लेता है, बैटरी किसी की ले लेता है, इन्वर्टर किसी कंपनी का लेता है, और सब सपोज करो प्रॉब्लम आ जाए, इलेक्ट्रिक है प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें क्या होता है कि आपके लिए कि सिंगल विंडो सर्विस नहीं मिल पाती उसको, बैटरी वाला इन्वर्टर बैटरी, अगर सर्विस उन्हें कॉल की, सर्विस इंजीनियर आएगा, वो कहेगा जी इन्वर्टर वाला आता है तो कहता है जी पैनल जनरेशन नहीं कर रहा या बैटरी खराब है, बैटरी का आप चेक कराइए। अब बैटरी वाला आएगा जी इन्वर्टर चार्जिंग नहीं कर रहा, इन्वर्टर वाला पैनल वाला आएगा जी आपका इन्वर्टर में प्रॉब्लम है, और सिंगल सॉल्यूशन एक दूसरे टाल देंगे, एक सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। अगर एक ही कंपनी से लेंगे तो फिर आपको उसके पास बहाना नहीं होगा। जो अगर हमारा सिंगल विंडो सर्विस है, बंदा आएगा चेक करेगा, वो इन्वर्टर को भी चेक करेगा, बैटरी को भी चेक करेगा, पैनल को भी चेक करेगा, और तब सॉल्यूशन मतलब कस्टमर सेटिस्फाई होगा तभी मतलब वहाँ से जाएगा। अच्छा सर, अब हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें ये और बता दीजिए आप प्लीज़ कि अगर कोई 1 किलोवाट का सिस्टम लगवाना चाहे तो 1 किलोवाट की कीमत लगभग कितनी आ जाएगी सर? अप्रोक्स 80,000, 80,000 में लग जाएगा 1 किलोवाट का, तो 2 किलोवाट में दोगुना हो जाएगा? नहीं, 2 किलोवाट में दोगुना नहीं होगा सर, क्या उसमें 1,10,000 का होगा, उसमें पैनल बढ़ेंगे और इन्वर्टरी कॉस्ट बढ़ेगी, बैटरी सेम रहेगी और BOS का एक्सपेंस 1,10,000 के अप्रोक्स होगा। अच्छा, मतलब अगर कोई 1 किलोवाट का लगवाना चाहेगा तो लगभग 80,000 के आसपास में खर्च आ जाएगा, 2 किलोवाट का लगवाना चाहेगा तो 1,10,000, दोनों ही 24 वोल्ट में है।
दोनों सिस्टम ही 24 वोल्ट में है, 1 किलोवाट भी 24 वोल्ट में है और 2200 ये 2 किलोवाट भी 24 वोल्ट में है। जब 2 किलोवाट का लग जाएगा तो घर के जो अप्लायंसेस नॉर्मल हैं जैसे वो सारे चल सकते हैं, चल जाएंगे ना सर जी, मतलब विदाउट एसी जो नॉर्मल लोड होगा वो चल जाए, रन हो जाएगा। जैसे कूलर पंखे कूलर जी, जैसे अपना एक कूलर हुआ, 3-4 फैन हुए, फ्रिज हुआ, और मतलब यही नॉर्मल लोड होता है, ये रन हो जाता है सर। समर चल जाएगा सर, 1 HP का समर सेविल जो अपना 2250 है, 1 HP समर सेविल चल जाता है, मेन इसी के लिए पर्पस से बनाया गया है। जैसे आपने बताया था कि 1 किलोवाट लगभग 80,000, 2 किलोवाट लगभग 1,10,000, अगर 5 किलोवाट की बात करें सर लगभग 5 लाख, ये अप्रोक्स 2,85,000 वो 5 किलोवाट जो MPPT हो 48 वोल्ट का सिस्टम है, उसमें 4 बैटरी के मतलब MPPT के साथ लगेगा सर, पीटर दोनों अवेलेबल है, PWM और MPPT भी, जो जोन से लगवाना चाहे जी सर, वो टेक्नोलॉजी का फर्क है। कितना बताया था सर? 2,85,000 जी। तो दोस्तों 2,85,000 लगभग 3 लाख रुपए में आप 25 साल के लिए फ्री हो सकते हैं, मतलब बार बार की अगर आप महीने का बिजली का बिल भर रहे तो उससे आपको पूरी तरह से लगभग छुट्टी मिल ही जाएगा अगर 5 किलोवाट का आप लगवा लेते हैं। और 25 साल बहुत बड़ी होती है, अगर आप जवानी में हैं तो बूढ़े हो जाएंगे, और अभी जवानी में आने वाले हैं तो आपकी आधी से ज़्यादा उम्र उसी में चले जाएगी, और आप लगातार बिजली का जो यूज है वो करते रहेंगे बगैर किसी टेंशन के। तो आज के ज़माने में सबसे बढ़िया अगर बात है तो वो सोलर पैनल की है, क्योंकि कहीं NPCL है, कहीं UPCL है, कहीं कोई और कंपनी आपको बिजली दे रही है, और जो बिजली का मीटर है उससे भी आप लगभग परेशान हैं, हर महीने बिलाने से परेशान हैं। और अभी तो सरकार ये करने वाली है कि आपके घर पर जो मीटर लगने वाले हैं वो प्रीपेड वाले लगने वाले हैं, जितना रिचार्ज करोगे उतनी ही बिजली आपको मिलेगी, रिचार्ज खत्म तो बिजली भी कट मार जाएगी। तो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन अगर हम बात करें तो सोलर पैनल का ही है। तो सर अगर किसी को ये लगवाना है पूरा सिस्टम तो किस तरह से संपर्क कर सकता है आपसे? लिवगार्ड में संपर्क कर सकता है, टोल फ्री नंबर, वेबसाइट है www.livguard.com, वेबसाइट पे सर मिल जाएगा, कोई कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा? हाँ जी सर, हमारी टेलीसेल्स टीम होती है, वहाँ पे अपने आप अगर कॉल करता है वो रेस्पॉन्स देंगे, और जो वहाँ पे लोकल टीम होगी उसके नंबर शेयर कर देंगे। वो कस्टमर केयर नंबर बता सकते हैं सर, अगर कोई मान लो वेबसाइट पर ना पहुँच पाए तो कस्टमर केयर पर बात कर ले, ऐसा कुछ 1-800-100-2551 जी। तो सर अगर हम बात करें सर्विस की, तो बाय द वे कोई कमी आ जाती है तो सर्विस का टाइम कितना रहेगा? 24 से 48 घंटों मैक्सिमम हो जाएगा सर जी, प्रोजेक्ट में मतलब सेम डे अगर 24 मतलब मैक्सिमम 24 से 48 होता है। ऑल इंडिया कहीं भी लगा सकते हैं सर? जी ऑल इंडिया कहीं भी लगा सकते हैं। थैंक यू सर जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों ये लिव फास्ट और लिव गार्ड दोनों सेम टू सेम कंपनी है, मैं इसी के स्टॉल पर हूँ और यहाँ से मैंने कोशिश किया कि आपको इनके बारे में जानकारी दे दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोग कॉल्स करते हैं कि भाई अगर हमें सिस्टम लगवाना तो कहाँ से लगवाएं, कैसे लगवाएं। तो आज मुझे ये लोग मिले थे तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी जानकारी आपके पास तक मैं पहुँचा दूँ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।